म्यूजिक लेकर चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार आज फिर से आपके लिए लेकर हाजिर हूं एक इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज हम बात करेंगे कैनन 200D के बारे में। तो अभी मैंने इस कैमरे को परचेज किया है, लगभग मुझे स्ट्रगल करते हुए यूट्यूब पर 1.5 साल के करीब हो गया है और मैंने यूट्यूब की अर्निंग से इसको परचेज किया है, जो कि प्राइसिंग मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा और आपको बताऊँगा कि आपको कैमरा ऑनलाइन खरीदना चाहिए या ऑफलाइन खरीदना चाहिए और कितने प्राइस में मुझे ये कैमरा मिल गया और साथ इस बॉक्स में किस तरह के कंटेंट्स हमें देखने को मिलेंगे, वो सभी बातें मैं डिस्कस करूंगा आज इस वीडियो में। तो जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। बात कर लेते हैं इसके बॉक्स के डिज़ाइन से। तो कुछ इस तरह का बॉक्स डिज़ाइन हमें कैनन 200D का देखने को मिल जाता है। दरअसल इस बॉक्स के अंदर हमें दो लेंस देखने को मिलेंगे, एक रहता है बेसिक लेंस जो रहता है 18-55 का और जो दूसरा लेंस इसमें मैंने ऑर्डर किया है वो रहता है 55-250। दरअसल इस बॉक्स के अंदर दोनों लेंस देखने को मिल जाते हैं तो इसका प्राइस भी उस हिसाब से ज़्यादा होगा। देन उसके बाद इसमें ऊपर की तरफ यहाँ लिखा मिल जाता है 16GB कार्ड इनसाइड, जो कि हमें इस कैमरा के साथ में मिलेगा। और ऊपर की तरफ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि इन्होंने लिखा हुआ है 2 ईयर वारंटी। तो इस वारंटी को क्लेम करने के लिए हमें इसके जो कैमरा है या फिर लेंस हैं उन सबको ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ेगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, तभी हम 2 साल की वारंटी क्लेम कर पाएंगे। अगर हम वो रजिस्टर नहीं करते तो हमें सिर्फ 1 साल की ही वारंटी मिलेगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस कैमरा की प्राइसिंग के बारे में कि बॉक्स पर इसकी प्राइसिंग कितनी दी हुई है। तो इस पर लिखा हुआ है 55,695 रुपये और ये मैन्युफैक्चर हुआ था पहले मंथ की 2019 में। तो कुछ इस तरह की इसमें डिटेल मेंशन की गई है और इस बॉक्स के साथ आपको अलग से एक बैग देखने को मिल जाएगा, जिसको मैं आपको वीडियो में आगे शो करूंगा कि इस तरह का वो बैग रहता है। तो बॉक्स को ओपन करते ही हमें कैमरा की बॉडी देखने को मिल जाती है, जो कि कुछ इस तरह की रहती है। इसकी डिटेल मैं बाद में बताऊंगा। तो बात कर लेता हूं कि और क्या क्या इसमें कंटेंट्स देखने को मिलेंगे। साथ के साथ ये स्ट्रैप भी आपको इसके बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, जो कि हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है कि ताकि हमारा कैमरा वगैरह न गिरे। देन उसके बाद हमें बेसिक लेंस देखने को मिल जाता है जो रहता है 18-55 का। तो आगे पीछे इसमें कैप लगी हुई है ताकि डस्ट वगैरह इसमें न जाए, तो इसको भी रख देते हैं साइड में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो हमारा दूसरा लेंस रहता है। अगर हम इसको नहीं लेना चाहते हैं तो हमें कैमरा सस्ता मिल जाएगा। इस अकेले लेंस की कीमत लगभग 10,000 रुपये के करीब है। तो वैसे तो अगर हम फोटोग्राफी के शौकीन हैं और अच्छी फ़ोटो क्लिक करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ये काफ़ी फ़ायदेमंद लेंस हो जाता है। तो ये रहता है हमारा सेकंड लेंस। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसके साथ एक बैटरी देखने को मिल जाती है जिसकी मदद से हम कैमरा को यूज़ में ला पाएंगे। तो इसकी पावर रहती है 1040 mAh लिथियम आयन बैटरी है। तो अगर हम वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो लगभग हमें कंटिन्यू 2 घंटे का बैकअप ये प्रोवाइड कर देगी। देन उसके बाद इस बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें एक अडाप्टर भी देखने को मिल जाता है, जिसमें एक वायर रहती है जिसको हम अडाप्टर में कनेक्ट करके और बैटरी को प्लग कर सकते हैं। वो भी मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से हम इसमें बैटरी प्लेस करके चार्जिंग पे लगा सकते हैं। देन उसके बाद हमें इसमें 16GB का एक SD कार्ड देखने को मिल जाएगा, तो इसमें हम रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हैं। हम अगर हमारे लिए मेमोरी कार्ड छोटा है तो हम एक्स्ट्रा परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके साथ हमें जो बैग देखने को मिल जाता है। तो इस पर EOS लिखा हुआ है आगे की तरफ और कुछ इस तरह का बैग रहता है। ऊपर की तरफ हैंग करने के लिए एक स्ट्रैप दिया गया है जो कि थोड़ा हार्ड मटेरियल का रहता है। दरअसल वैसे तो ये कपड़ा है लेकिन सिलाई करके थोड़ा हार्ड सा हमें फील देखने को मिल जाती है। देन उसके बाद मैं इसको कुछ इस तरह से ओपन कर सकता हूँ और इसमें यहाँ पे चिपकाने के लिए कुछ मटेरियल का यूज़ किया हुआ है और इस लॉकर की मदद से ये लॉक हो जाएगा ताकि हमारा जो अंदर सामान है वो न गिरे। तो अंदर की ओर मैं दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से ये कंपार्टमेंट रहते हैं। दरअसल यहाँ मैं कैमरा को प्लेस कर सकता हूँ, उसके बाद जो हमारा बड़ा लेंस है उसको मैं यहाँ रख सकता हूँ। देन उसके बाद एक्सेसरी वगैरह जैसे मेमोरी कार्ड या फिर इसका अडाप्टर को मैं इस पॉकेट में रख सकता हूँ, यहाँ भी एक पॉकेट दी गई है। फर्दर इसमें 2 कंपार्टमेंट बनाए हुए हैं, एक जाली वाला एक कंपार्टमेंट बनाया हुआ है। दरअसल इसमें हम मेमोरी कार्ड वगैरह को प्लेस कर सकते हैं ताकि ढूंढने में कोई प्रॉब्लम न आए। तो काफ़ी अच्छा ये बैग हो सकता है जो हमें हमारे कैमरा के साथ मिलता है। देन उसके बाद हम इसके बैक साइड में चेक कर लेते हैं, बैक साइड में भी हमें एक पॉकेट देखने को मिल जाती है। कपड़े का मटेरियल दिया गया है जिसकी मदद से चिपक जाता है। इसके अंदर भी हमें आसानी से कुछ इम्पोर्टेंट या फिर अनइम्पोर्टेंट अगर मैं कहूँ वो सामान रख सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटेक्शन कम रहती है हमारे सामान की। तो इस कंपार्टमेंट में हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट सामान नहीं रख सकते। देन उसके बाद इसमें एक स्ट्रैप दिया गया है जिसको हम कंधे पर आसानी से डाल सकते हैं ताकि हम आसानी से कैमरा कैरी कर पाएँ। और इस पर एक एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे एडजस्टर दिया गया है
जहाँ से हम इस स्ट्रैप को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो बॉक्स के अंदर हमें कुछ पेपर वर्क देखने को मिल जाता है जो कि कुछ इस तरह का रहता है। तो ऊपर की तरफ जो एक पेपर दिया गया है 10 लेयर रहता है वारंटी कार्ड, तो इस पे लिखा हुआ है 1+1 2 ईयर वारंटी और इस पे कुछ सीरियल नंबर भी इस पे मेंशन दिए गए हैं। देन उसके बाद इसमें वर्कशॉप का एक पेपर वर्क दिया गया है। देन उसके बाद नीचे की तरफ इसमें रहता है बेसिक इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है अगर हमें कोई प्रॉब्लम आती है कैमरा को चलाने के लिए, तो हमें इन चीज़ों को पढ़ लेना चाहिए। वैसे हम इसको मोस्टली पढ़ते नहीं हैं और ऐसे ही साइड में रख देते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस कैमरा की फीचर्स के बारे में या फिर इसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। दरअसल इस कैमरा में हमें 24.2 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिल जाता है। तो इसमें यहाँ पे एक कैप दी गई है, तो डस्ट से प्रोटेक्शन के लिए हम इसको अगर यूज में नहीं लाते तो इसको हमें बंद करके रखना है। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ इस कैमरा के प्रोसेसर के बारे में, दरअसल इस कैमरा में हमें DZ7 इमेज प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। देन उसके बाद मैक्सिमम रेजोल्यूशन रहती है 60 FPS। देन उसके बाद पिक्सल साइज़ है वो रहता है 1080। तो इसके अंदर हमें वाईफाई ब्लूटूथ और टाइम लाइफ जैसे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। और जो इसकी मैक्सिमम ISO है वो रहता है 51200 और फोकस पॉइंट 9 हमें इसमें देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद ड्यूल पिक्सल में हमें कैमरा देखने को मिल जाता है। और डिस्प्ले साइज़ अगर मैं बात करूं तो 3 इंच की इसमें यहाँ पे डिस्प्ले दी गई है जो कि कुछ इस तरह की रहती है। हम इसको अपनी ज़रूरत के अनुसार रोटेट कर सकते हैं, तो कुछ इस तरह से ये रोटेट हो जाती है अगर हम इसको रोटेट करना चाहें। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं इसके वेट के बारे में, दरअसल बॉडी का वेट 406 ग्राम रहता है। तो चलिए अब हम एक नज़र मार लेते हैं कि किस तरह के हमें इसमें बटन्स देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रंट से मैं शुरू करता हूँ, तो आगे की तरफ हमें दरअसल लेंस को अटैच या डीअटैच करने के लिए यहाँ पर बटन देखने को मिल जाएगा जिसको हम प्रेस करके अपने लेंस को डीअटैच कर सकते हैं। दरअसल यहाँ पे एक फ्लैश लाइट का बटन दिया गया है, इसको प्रेस करके मैं इस फ्लैश को ओपन कर सकता हूँ। देन ऊपर की तरफ इसमें NFC या फिर वाईफाई के लिए एक बटन देखने को मिल जाता है। आगे की तरफ एक लाइट रहती है जो कि रेड लाइट है, मॉडल नेम लिखा है EOS 200D। देन उसके बाद यहाँ पर एक माइक दिया गया है, बैक साइड में इसमें स्पीकर रहता है। ऊपर की तरफ इस पे हम कोई फ्लैश वगैरह अटैच कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इसके दूसरी साइड में। इस साइड में हमें कई सारे बटन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि हम मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, मैनुअल मोड, AV मोड, TV मोड, PE, ऑटोमेटिक मोड, कुछ इस तरह के इसमें मोड रहते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे एक जो बटन दिया गया है इसको हम साइड में घुमा के ऑन कर सकते हैं कैमरा को, या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है तो अपनी ज़रूरत के अनुसार हम इसको सेट कर सकते हैं। देन उसके बाद इसमें एक ISO और DSP का दो बटन दिए गए हैं। ISO को हम क्लिक करके इसकी ISO बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं इस बटन की मदद से। देन उसके बाद डिस्प्ले सेटिंग का DISP का जो बटन है वो डिस्प्ले सेटिंग का रहता है। आगे की तरफ इसमें एक बटन दिया गया है जहाँ से हम इसको प्रेस करके फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं इसके बैक साइड में। इसके बैक साइड में भी कुछ इस तरह के काफ़ी बटन हमें देखने को मिल जाते हैं। तो आगे की तरफ इसमें बटन रहता है मेन्यू का, जहाँ से मेन्यू हमारा निकल जाएगा, इन्फो का जहाँ के इन्फॉर्मेशन वगैरह चेक कर सकते हैं। देन यहाँ से हम वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं। तो इसमें कोई हमें पॉज का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता वीडियो में, हम सिर्फ वीडियो को स्टार्ट और एंड ही कर सकते हैं। देन उसके बाद इसमें हमें दो ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ जो बटन दिया गया है यहाँ से हम जो उसके फोकस पॉइंट है उनको एडजस्ट कर पाएंगे। तो इन बटन की मदद से हम फोटो को जूम इन या जूम आउट कर पाएंगे। तो उसके बाद हमें AV मोड मिल जाता है जो कि अपर्चर वगैरह को कम ज़्यादा करने के लिए रहता है। देन उसके बाद लेफ्ट राइट और अप डाउन के लिए बटन दिया गया है और सेट के लिए। नीचे की तरफ इसमें हमें दो बटन देखने को मिल जाते हैं, एक रहता है हमारा गैलरी का या फिर जो हमें फ़ोटो क्लिक की है या वीडियो रिकॉर्ड की है उसको देखने के लिए। देन आगे की तरफ इसमें डिलीट का बटन दिया गया है, जैसे कोई वीडियो वगैरह या फ़ोटो वगैरह डिलीट करनी हो। देन उसके बाद हम चलते हैं इसके दूसरी साइड, तो इसके अंदर हमें पोर्ट के लिए दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक रहता है HDMI और दूसरा एक और पोर्ट इसमें हमें देखने को मिल जाता है जिसकी मदद से हम डाटा ट्रांसफ़र वगैरह कर सकते हैं। और HDMI आउट का भी इसमें एक पोर्ट दिया गया है। तो चलिए इसको बंद कर देते हैं और चलते हैं इसके दूसरी साइड भी इसमें पोर्ट के लिए ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि एक रहता है माइक का और एक और इसमें पोर्ट दिया गया है। इसका मुझे यूज़ प्रॉपर पता नहीं, ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है, दरअसल ये व्यू फाइंडर है। तो इसको हम आईज पे लगा के भी फ़ोटो वगैरह क्लिक कर सकते हैं, जैसे कि पहले के ज़माने में फ़ोटोग्राफ़र किया करते थे। आज के ज़माने में स्क्रीन होने के कारण लोग स्क्रीन की मदद से ही मोस्टली फ़ोटो क्लिक करते हैं।
तो अगर हम बात करें इसके डिस्प्ले के बारे में तो ये फुल टच डिस्प्ले हमें देखने को मिल जाती है, जिसकी मदद से अगर हमें बटन्स की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता तो हम टच की मदद से भी इसकी सेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा पॉइंट हमें इसमें ये देखने को मिल जाता है, और काफ़ी अच्छा ऑप्शन हमें ये भी देखने को मिल जाता है कि हम इसकी स्क्रीन को रोटेट कर पाएंगे, और ब्लॉगिंग के लिए काफ़ी अच्छी ऑप्शन हमें ये देखने को मिल जाता है। तो हम चलते हैं इसके नीचे की तरफ। नीचे की तरफ हमें इस कैमरा को होल्ड करने के लिए एक स्क्रू टाइप का होल देखने को मिल जाता है, जहाँ पे हम इसको स्टैंड में या फिर ट्राईपोड में या फिर गिम्बल वगैरह में अटैच कर पाएंगे। देन नीचे की तरफ एक इसमें कंपार्टमेंट देखने को मिल जाता है, इस कंपार्टमेंट में हम बैटरी को इंसर्ट करेंगे। ऊपर की तरफ एक पोर्शन रहता है जहाँ पर हम मेमोरी कार्ड को इंसर्ट कर सकते हैं, वो कितने भी जीबी का हो सकता है, 128 जीबी का हो, 64 जीबी का हो या 32 जीबी का। इसके साथ हमें 16 जीबी का मेमोरी कार्ड देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब हम अपने कैमरा में लेंस को अटैच करके देख लेते हैं और देखेंगे किस तरह हम इसको यूज़ में ला सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस पे ऊपर की तरफ जो कैप है, मैंने जैसे पहले ही बताया, इसको हम उतार लेते हैं। देन उसके बाद कैमरा के बैक साइड में भी एक कैप दी गई है जो कि प्रोटेक्शन के लिए रहती है, तो इसको इस तरह से हम हटा सकते हैं। देन उसको हमें ध्यान रखना है, जो ये वाइट पट्टी दी गई है वहाँ पे भी एक वाइट पोर्शन दिया गया है ताकि हम इसको मैच करके प्लग कर पाएँ। तो इसको हम इस तरह से पकड़ के पीछे की तरफ से हमने ये पकड़ना है ताकि ये घूमे ना लेंस। तो इस तरह से एक टक की आवाज़ आएगी जिससे ये कनेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद अगर हम इसको खोलना चाहते हैं तो हमें इस बटन को प्रेस करके बैक साइड में इसको रोटेट करना है, तो हम इसको आसानी से खोल पाएंगे। तो चलिए अब हम कैमरा ऑन कर लेते हैं। उससे पहले मैं इसके लेंस से ये भी कैप उतार देता हूँ। तो ऊपर की तरफ इसमें जो बटन दिए गए हैं उसकी मदद से मैं इसको ऑन कर पाऊँगा। तो जैसे कि ये ऑन हो चुका है, देन उसके बाद कुछ इस तरह से हमारी जो स्क्रीन है वो ऑन हो जाती है। उसके बाद मैं इसमें कोई फ़ोटो क्लिक करके आपको शो कर देता हूँ। तो मैं इसको सबसे पहले ऑटो मोड पे सेट कर लेता हूँ। देन उसके बाद कुछ इस तरह के ऑप्शन हमें देखने को मिलेंगे। तो ऊपर की तरफ जो ये बटन दिया गया है मैं इसको प्रेस करके इसके कैमरा का शटर ऑन कर देता हूँ। तो सेटिंग में जाके मैं इसकी फ्लैश ऑन कर सकता हूँ। देन उसके बाद मैं वही फ़ोटो क्लिक कर देता हूँ तो इसकी फ्लैश निकल के बाहर आ गई। तो मैं कुछ इस तरह से फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ तो इसमें फोकस पॉइंट भी दिखा रहा है। देन उसके बाद इमेज क्वालिटी आप देख ही रहे होंगे, दरअसल वीडियो में ये फ्लैश रह गई थी तो मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरह की ये फ्लैश रहती है। और इसको मैं नीचे की तरफ प्रेस करके बंद कर सकता हूँ। तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको फ़ोटो वगैरह शो करूँगा जो मैंने इस कैमरा के साथ क्लिक की है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस कैमरा की क्वालिटी के बारे में। दरअसल लास्ट वन मंथ से जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो मैं इसी कैमरा में ही रिकॉर्ड करता हूँ। मुझे टाइम नहीं लग रहा था इस कैमरे की अनबॉक्सिंग वीडियो बनाने के लिए, तो आज मैंने टाइम निकाल कर इसकी वीडियो बना दी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में कि मैंने इसको कहाँ से और कितने प्राइस में ख़रीदा है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो मैंने इसको ख़रीदा है amazon.in से, एक ऑफ़र के तहत मुझे ये 44,000 रुपये में मिल गया। अगर इसका मैं प्राइस बताऊँ तो 49,000 या 47,000 रुपये इसका ऑनलाइन प्राइस रहता है amazon.in पे। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको ख़रीद सकते हो। लेकिन मैंने इसको ख़रीदने के लिए ऑफलाइन यानी कि मार्केट में जाके भी ट्राई किया, लेकिन इसका प्राइस मुझे काफ़ी ज़्यादा सुनने में लगा दुकानदारों से, जिन्होंने इसका प्राइस बोला था 51,500 रुपये के करीब। तो मुझे इसको ऑनलाइन ख़रीदना ही बेहतर लगा, तो मैंने इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, जिसमें मुझे लगभग 44,000 रुपये में दो लेंस मिले, एक बेसिक लेंस और जो दूसरा लेंस रहता है वो 55 से 250 mm लेंस दिया गया है। तो इस प्राइस रेंज में ये काफ़ी अच्छी डील मुझे मिल गई। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हो, दोबारा कहता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जरूर चेक करना, और साथ के साथ आने वाले टाइम में मैं इसकी जो एसेसरी है उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा कि इसमें किस तरह की एसेसरी हम यूज में ला सकते हैं, वो बेनिफिशियल होती है या नहीं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए उन वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि साथ के साथ आपको अपडेट मिल जाएगी जब मैं वीडियो को अपलोड करूँगा। अगर हम इस कैमरा को ऑफलाइन या किसी दुकान से ख़रीदते हैं तो हमें एक और प्रॉब्लम और देखने को मिल जाती है कि हमें कई बार दुकानदार इसका बैग है वो नहीं देता, क्योंकि इसका बैग इसकी कैमरे की पैकिंग में नहीं आता, वो एक्स्ट्रा ही पैकिंग में हमें प्रोवाइड करता है ऑनलाइन सेलर। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है ऑफलाइन मार्केट में। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो नए यूट्यूबर टेक्निकल लाइन में या फिर किसी और यूट्यूब वीडियो या फिर कोई फ़नी कंटेंट बनाना चाहते हैं कि उनको कैमरा ख़रीदना चाहिए या नहीं। दरअसल शुरुआती दौर में
लोगों को या फिर यूट्यूबर्स जो नए आते हैं उनको मोबाइल फ़ोन में ही अपनी वीडियो शूट करनी चाहिए। अगर उनके पास बजट अच्छा हो जाता है या फिर वो अर्निंग कर लेते हैं इतनी कि वो एक कैमरा खरीदने लायक हो जाए तो उनको ये कैमरा काफ़ी अच्छा हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर हमें काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर देखने को मिल जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने उन दोस्तों को भी इस वीडियो को दिखाइए जो कैमरा खरीदने के शौकीन हैं। तो हंसते रहिए, हंसाते रहिए।